शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और अपने आपा व अजदाद की नज़र करम से, सरकार शाह शम्स तबरे सब्जवारी की नज़र करम से, सैयद कलंदर शहबाज की नज़र करम से, सैयद सदरुद्दीन शमसी की नज़र करम से, सैयद हसन कबीरुद्दीन की नज़र करम से, सैयद ताजुद्दीन की नज़र करम से, सैयद फ़तेह अली शाह शमसी की नज़र करम से, बीबी इमाम बेगम साहिबा की नज़र करम से, सैयद कबीर शाह की नज़र करम से और बीबी पाचा दादी शमसी सब्जवारी तबरेजी की नज़र करम से। इस वीकली हॉरोस्कोप का आगाज़ करते हैं। जैसे कि ये साल की शुरुआत तमाम बुर्ज के लिए अल्लाह के करम से बहुत ही मुबारक होने वाली है। माशी हवाले से, माली हवाले से तरक्की के असबाब सामने आएंगे, लेकिन चीज़ें गुम हो सकती हैं, यानी गलत मशवरे मिल सकते हैं, चीज़ें गुम हो सकती हैं, इमोशनली फैसले करके इंसान नुकसान हासिल कर सकता है, तो उनसे थोड़ा सा इंसान एहतियात कर ले। इस सात अय्याम का जो ख़ास सदका है वो हस्ब तौफीक मीठी चीज़ का है, और वो सफ़ेद रंग की हो तो ज़्यादा बेहतर है, यानी खीर बना के या सफ़ेद मावा लेके कोई मीठी सफ़ेद चीज़ लेके किसी मुस्तहक इंसान को दे दें, मुस्तहक बच्चों को दे दें, तो इंशाल्लाह पूरा हफ्ता तमाम नहस चीज़ों से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। इस सात अय्याम का जो इस्म आज़म है वो है या हकीम और या अली। यानी जब भी दिन का आगाज़ हो तो 27 मतलब ये इस्म आज़म पढ़ के दिन का आगाज़ करेंगे, तो जहाँ जहाँ आप कदम बढ़ाएंगे फतेह और कामयाबी आपके साथ साथ होगी। बुर्ज एरीज़ वाले, एरीज़ वालों के लिए कोई झगड़ा मंजरेआम पे आ सकता है, रिश्तों के हवाले से, माशी हवाले से, माली हवाले से, तो तरक्की मंजरेआम पे आएगी, लेकिन रिश्तों के हवाले से चीज़ें उलझ सकती हैं। तो कोशिश कर लें अभी से ये तय कर लें कि कोई बड़ा या बुजुर्ग तलख कलामी करता है, इसलाह करने की कोशिश करता है, तो कोशिश करके उस पर कोई एक्शन ना उठाएं, हाइपर होकर उसका जवाब ना दे, गुस्से में उसको जवाब ना दे, क्योंकि किसी अपने से झगड़ा करना आपको तजलील की तरफ रवाना कर सकता है। पानी सबसे ज़्यादा पीते तो वो आपके लिए मुबारक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये हफ्ता बहुत ही मुबारक होने वाला है। किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले थोड़े अरसे में आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। इनका भी नहीं आपको तत्काल मीठी चीज़ का, और इसमें बाबत है स्क्रीन पर आप दे सकते हैं। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ के पास जब भी कोई ऐसा शोहर या बीवी ये आके गुजारिश करती थी कि मेरे अज़दवाजी रिश्ते में मोहब्बत नहीं, एहसास नहीं, तो आप इलाची पे खानदानी इस्मे आज़म दम करके उसको दिया करते थे और ये फरमाते थे कि किसी भी खाने वाली चीज में इस इलाची को मिला के अपने शरीक के हयात को खिलाओ, अल्लाह के करम से वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। आपकी रहलत के बाद इसी रस्म को आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, बीबी बादशाहज़ादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी हर उस घर में जहाँ अज़दवाजी इख्तलाफात होते हैं इलाची दम करके दिया करते हैं, और अल्लाह पाक के जिक्र की बरकत से मियां बीवी में मोहब्बत कायम होती है। और साथ साथ आप ये फरमाते थे कि अगर ये इलाची तुम खा के किसी से बात करोगे तो सामने वाला इंसान तुम्हारी बात को तरजीह देगा, तस्लीम करेगा, तुम्हारी इज्जत करेगा। मेहरबान स्टोन्स की तरफ से आज, कल और परसों ये इसमें आज़म दम की हुई इलाची जो मोहब्बत और इज्जत बढ़ाती है फी सबीलिल्लाह गिफ्ट रखी गई है। अगर आप मेहरबान रेस्टोरेंट से कोई भी पत्थर लेते हैं तो उसके साथ ये इसमें आज़म दम की हुई इलाची आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दी जाएगी। याद रहे ये छोटी इलाचियाँ महदूद मिकदार में हैं। तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान रेस्टोरेंट के नंबर पे कॉल करके आज, कल और परसों यानी तारीख 5, 6 और 7 जनवरी 2024 तक ये इलाची किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और किसी भी पत्थर के साथ ये मोहब्बत और इज्जत बढ़ाने वाली इलाची हासिल करें। आप ये इलाची हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर आईफोन पर मौजूद है वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। बुर्ज तौरस वाले, ये अय्याम आपकी जिंदगी के खुशहाल अय्याम है। माली हवाले से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत तरक्की मिलेगी, किसी बड़े सफर को जाना चाहते हैं तो उसमें आसानी मिलेगी, लेकिन हो सकता है किसी राज की वजह से कोई नुकसान मिल जाए, इसलिए जितना अपने राज कम शेयर करेंगे उतना तादेर कामयाबी आपके साथ होगी। आपके आधे जिंदगी के मसाइल आपकी जबान के पीछे हैं, तो ये तय कर लें कि जबान को मीठा करना है। जबान को मीठा करना ही आपको बड़ी तरक्की देने वाला है। गोल्ड में, सोने में, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये वक्त बहुत मुबारक होने वाला है। लेकिन कोशिश करके हमराज लोगों को कम बनाएं। इनका भी नहीं है आपका सदका मीठी चीज़ का, और इसमें आदम बापत है स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले, ये अय्याम आपकी ज़िंदगी के उदासी वाले हो सकते हैं। हो सकता है लोग आप पे तनकीद करें, हो सकता है आपका दिल थोड़ा सा छोटा हो जाए। याद रहे अपने दिल को छोटा ना करें, क्योंकि दुख सुख से ही ज़िंदगी बनती है। अपने काम को
कायम करें, अपने काम पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि काम के तवस्त से ही आपको बड़ी मंजिल या बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर नैया में लाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं, डार्क कलर कम पहनते हैं, तो ये भी आपके लिए मुबारक है। सुबह उठ के एक उबला हुआ अंडा खाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक होने वाला है। इस साथ नैया में पानी ज़्यादा पिएँ और रात के वक्त पानी कम पिएँ तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन दिन के वक्त ज़्यादा पिएँ। और इन साथ नैया में कोशिश करके पेशाब रोका ना करें, क्योंकि जायचे के हिसाब से किसी बीमारी के हवाले से भी खबर मंजरेआम पर आ रही है। तो पानी ज़्यादा पिएँ, पेशाब को रोका ना करें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं, तो इंशाल्लाह वो बीमारी दूर हो जाएगी। अगर रोज़ सुबह उठ के एप्पल खाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक होगा। इनका भी नियाम करत का मीठी चीज़ का, इसमें वापस स्क्रीन पर आप दे सकते हैं, बुर्ज कैंसर वाले। ये नियाम आपकी ज़िंदगी में कोई दोस्त को फिर से लाएंगे। याद रहे, दोस्त से दोस्ती करना, उसको साथ रखना, उनके साथ काम करना बहुत मुबारक है। हम राज बनाना तजलील है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी पार्टनरशिप से दूरी इख्तियार करें, क्योंकि पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट करना फिर वक्त आपको नुकसान दे सकता है। आप लोगों को दिल से देखते हैं, ये आपकी खामी बन जाता है। आप क्रिएटिव हैं, लेकिन उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके काम की हैं, उन चीज़ों पे ना करें जिनसे वक्त की खुशी मिलती है। इसी से ही आपको तरक्की और कामयाबी की राहें मिलती रहेंगी। आधा घंटा, एक घंटा इस हफ्ते रोज़ वॉक पे जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुबारक है। ज़मीन पे कुछ देर बैठ के बड़ी बड़ी सांस लेते हैं तो ये भी इस हफ्ते के लिए बहुत मुबारक होने वाला है। इस हफ्ते कोशिश करके, क्योंकि मरीख का जिस तरह से रुख अतारत की तरफ हुआ है, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगी और वही तब्दीली आपके लिए माशी असबाब पैदा करेगी। इसलिए हाजिर दिमाग रहेंगे तो फ़ायदा तादेर कायम होगा। इनका भी नियाम का सदका मीठी चीज़ का, इसमें वापस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 2024 का कैलेंडर, जिसमें हमने पूरे साल का होरोस्कोप महफूज किया है, यानी किस बुर्ज वाले के लिए कौन सा दिन मुबारक है, किस बुर्ज वाले के लिए कौन से दिन में कौन सा एहसास उस पे हावी हो सकता है जिसमें वो गलत फैसला करके खुद को बर्बाद कर सकता है, वो तमाम मालूमात इस 2024 के कैलेंडर में हमने महफूज की है। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान स्टोन से ये 2024 का कैलेंडर लेंगे तो उसके साथ ये मोहब्बत बढ़ाने वाली लाची आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दी जाएगी। 2024 का ये कैलेंडर, जिसमें इस्लामिक तारीखों के साथ साथ मासूमीन की विलादत और शहादत भी महफूज हैं, कब सूरज ग्रहण है, कब चांद ग्रहण है, किस महीने का कौन सा इस्मे आजम है, वो तमाम मालूमात इस कैलेंडर में महफूज हैं। और साथ साथ तावीज़ शम्स और तावीज़ मौला रजा इसके पहले पेज पे महफूज किया गया है, क्योंकि जो इंसान तावीज़ शम्स या तावीज़ मौला रजा अपने घर में लगाता है और रोज सुबह इन तावीज़ात को देख के आयतुल कुर्सी और नादे अली पढ़ता है, तो उसका घर अल्लाह के करम से तमाम नजर हसद से महफूज रहता है और फिर वो जहाँ जहाँ कदम उठाता है फतेह कामयाबी उसके साथ साथ होती है। याद रहे, ये कैलेंडर महदूद मकदार में है। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और 2024 का ये नया कैलेंडर हासिल करें। आप ये कैलेंडर हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और iPhone App Store मौजूद है वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। और लियो वाले, लियो वालों के लिए ये अयाम किसी मोहब्बत को आपकी ज़िंदगी में लाएंगे, किसी अपने को आपकी ज़िंदगी में लाएंगे, किसी खुशी को आपकी ज़िंदगी में लाएंगे, माशी हवाले से बेहतरी को आपकी ज़िंदगी में लाएंगे। लेकिन जितना हो सके सारी चीज़ों को तोल के नजरियाम पे रखें, तोल के अंजाम दें, यानी खुश रहने के वक्त खुश रहा करें, काम के वक्त काम पे कंसंट्रेट किया करें, बेहतरी नजरियाम पे आएगी। जितना हो सके फिर वक्त हाजिर दिमाग कायम रखें, गुस्से को काबू रखें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुशावरत कर लें तो इंशाल्लाह फ़ायदा तादेर आपके साथ होगा। इन साथ अयाम में सफ़ेद रंग ज़्यादा पहनना या वो ग़िज़ा खाना जिनकी तासीर ठंडी है आपको बड़ा फ़ायदा देगा। रोज़ दोपहर के वक्त ऑरेंज खाते हैं तो वो भी इस हफ़्ते के लिए बहुत ही मुबारक होगा। मैदे से मिलती जुलती बीमारियां मंजरेआम पे दिख रही हैं, इसलिए ग़िज़ा को सही रखेंगे तो फ़ायदा भी साथ होगा, बीमारियाँ भी दूर होंगी। इनका भी नियाम का सदका, इनका भी नियाम का सदका मीठी चीज़ का, इसमें वापस स्क्रीन पर आप दे सकते हैं। बुर्ज भिरको वाले, ये अयाम आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत मुबारक है, किसी बड़े सफ़र को जाने के लिए बहुत मुबारक है। इस अयाम में कोई बड़ी खुशी आपको मिलने वाली जिनसे आपके घर का माहौल तब्दील हो सकता है। तभी जितना हो सके हाजिर दिमाग रहा करें, मीठी ज़बान को कायम रखा करें और खुशी के साथ अपनी सेहत का और अपने काम का ख्याल रखें। इन अयाम में अगर मोबाइल से एलसीडी से थोड़ी सी दूरी इख्तियार करते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। अगर दूरी नहीं कर सकते, यानी आपका काम मोबाइल से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो 2 घंटे या 1.5 घंटा या 3 घंटे दिन के ऐसे निकालें जिन पे आप इन तमाम चीज़ों से दूर हो जाएं, तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। इन अयाम में कोशिश करके चटपटी चीज़ें कम खाएं, खट्टी चीज़ें कम खाएं। इनका भी नियाम का सदका मीठी चीज़ का, स्क्रीन पर आप दे सकते हैं। बुर्ज
लिब्रा वाले, ये अयाम आपकी ज़िंदगी में तरक्की वाले अयाम हैं, माशी हवाले से बेहतरी वाले अयाम हैं। तभी जितना होता है कि इस वक्त हाजिर दिमागी को कायम करें। आपका हाजिर दिमागी को कायम करना आपको किसी बड़ी मंजिल की तरफ रवाना करेगा। कोई बड़ा सफ़र आपकी दायची में दिख रहा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, किसी मुकद्दस मकाम की ज़्यारत किए जाना चाहते हैं, किसी काम के लिए सफ़र करना चाहते हैं, घूमने के लिए सफ़र करना चाहते हैं, तो ये अयाम आपके लिए बहुत मुबारक होने वाले हैं। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, मंजिल आपके साथ होगी। किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत मुबारक होने वाला है। बशर्त उसकी तस्दीक बुजुर्गों से की गई हो, सिर्फ दिल से सोचा हुआ फैसला ना हो। यानी आप अगर लाल मिर्च कम और काली मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने में तो वो आपके लिए मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका मीठी चीज़ का इसमें वापस स्क्रीन का दे सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले, ये नियम आपकी ज़िंदगी के वो हैं जिस पे एतराज़ात उठेंगे। आपकी शख्सियत को लेकर एतराज़ात उठेंगे, आपके काम को लेकर एतराज़ात उठेंगे, चीज़ों को लेकर एतराज़ात उठेंगे, तो उन तमाम चीज़ों को मध्यम रखिएगा, उन पर ज़्यादा फोकस न कीजिएगा। आपकी मंजिल आपके काम में छुपी हुई है, आपकी मंजिल आपके हाजिर दिमागी में छुपी हुई है। गुस्से में आके फैसले करेंगे तो परेशानियाँ मंजरेआम पे आएंगी। आधा घंटा एक घंटा वॉक पे जरूर जाया करें, पानी सबसे ज्यादा से ज्यादा पिया करें। अगर कुछ देर जमीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांस लेते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। इनका भी नियाम का इसका मीठी चीज का इसमें वापस स्क्रीन पे आप दे सकते हैं। जिस भी इंसान के हाथ में हुसैनी अकीक पहना होता है तो उस पर कभी भी जादू तावीजात नजर हसद के असरात हावी नहीं होते, क्योंकि ये पत्थर अल्लाह की दी गई वो नेमत है जो इंसान को तमाम शैतानी अमराज से नहस असरात से अल्लाह की पनाह में रखता है। तभी अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी हुसैनी अकीक पे चंद खास इस्मे आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को दिया करते थे और ये फरमाते थे कि अपनी शम्स वाली उंगली में इस हुसैनी अकीक को पहन लो, इंशाअल्लाह कभी भी कोई नहस ताकत तुम्हारे करीब नहीं आएगी और तुम कामयाबी और कामरानी तक जा पहुंचोगी। आपकी रहलत के बाद आपकी औलाद से सदरुद्दीन, से हसन कबीरुद्दीन, से ताजुद्दीन, बीबी बादशाहज़ादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी हुसैनी अकीक दम करके अपने अकीदतमंदों को दिया करते हैं। अगर आप ये पढ़ा हुआ हुसैनी अकीक लेना चाहते हैं तो आज ही मेहरबान स्टूडेंट्स के नंबर पर कॉल करें और ये हुसैनी अकीक हासिल करें। अगर आप आज कल और परसों ये हुसैनी अकीक लेंगे तो मेहरबान स्टूडेंट्स की तरफ से आपको ये मोहब्बत बढ़ाने वाली इलाची फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दी जाएगी। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और ये हुसैनी अकीक हासिल करें। आप ये हुसैनी अकीक हमारे एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर मौजूद है वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। वाले, ये जब आपकी ज़िंदगी में सर दर्द के मसाइल या किसी चीज़ के भूलने के मसाइल मंजरेआम पे आ सकते हैं, तभी चीज़ों को रख के उसको संभाला करें, क्योंकि हो सकता है किसी भूलने की बीमारी में मुब्तला हो जाए, किसी भूलने की वजह से किसी परेशानी का सामना आपके सामने आ जाए। सर दर्द के मसाइल इस जायचे में दिख रहे हैं, हो सकता है छोटी मोटी बीमारियां भी मंजरेआम पे आ जाए, इसलिए वॉक पे जाया करें, गज़ा को प्रॉपर रखा करें, बाहर के खाने सफ़ते कम खाया करें, इंशाल्लाह बीमारियां भी दूर रहेंगी, कामयाबी भी साथ रहेगी। आधा घंटा एक घंटा वॉक पे ज़रूर जाया करें, कुछ देर कच्ची ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लिया करें तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। नियाम में कोशिश करके अगर खट्टी या तीखी चीज़ें कम खाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वक्त बहुत मुबारक होने वाला है। इनका भी नियाम का सदका मीठी चीज़ का इसमें वापस स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले, ये नियाम आपकी ज़िंदगी के वो हैं जिन पर आपको तारीफ़ का सामना होगा। बहुत लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, कामयाबी के हवाले से असबाब मंजरेआम पे आएंगे। तभी जितना हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, हाजिर दिमाग रखने की कोशिश करें। हाजिर दिमाग रहेंगे फ़ायदा आपके साथ होगा, तारीफ़ में उलझ जाएंगे तो फिर परेशानी मंजरेआम पे आ सकती है। इन अयाम में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं तो बहुत मुबारक है। लेकिन कोशिश करके अपनी बातें शेयर कम करें, जितना अपने राज कम बताएंगे उतना तरक्की आपके साथ होगी, जितना अपने राज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे उतना परेशानी और तजलील आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। इनका भी नियाम का सदका मीठी चीज़ का इसमें बाबत है स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज अक्यूरियस वाले, ये हैं आपकी ज़िंदगी के वो हैं जिसमें आपको खुशहाली का रास्ता मिलेगा। अभी खुशहाली के असबाब मंजरेआम पे आएंगे, कामयाबी के असबाब मंजरेआम पे आएंगे, तभी आपकी आंखें खोल के दुनिया को देखना बहुत ज़रूरी है। भरोसे में दुनिया को ना देखें, इन्वेस्टमेंट करते हैं चाहे कोई कदम उठाते हैं भरोसे की बुनियाद पर ना करें, लॉजिक के साथ करें, हाजिर दिमागी के साथ करें, फ़ायदा आपके साथ होगा। आधा घंटा एक घंटा रोज़ वॉक पर जाते तो वो भी आपके लिए मुबारक है। इस हफ्ते तीखी और खट्टी चीज़ें कम खाते तो वो भी आपके लिए मुबारक है। रोज़ सुबह एप्पल खाते तो ये भी आपकी सिक्स सेंस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उसी फैसले से ही आपको
बेहतरी और कामयाबी मिलनी है। इनका भी नियाम का सदका मीठी चीज का पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बोरिज स्पाइसेस वाले। ये यहाँ हो सकता है किसी से झगड़ा हो जाए, तभी जितना हो सके जबान को खामोश रखें या मीठा रखें, क्योंकि आप किसी को सच कहेंगे वो सच किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए लोगों को देखें, परखें, वक्त का इंतजार करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। वो ना कहें जो कहना चाहते हैं, बल्कि वो कहें जो दुनिया सुनना चाहती है। थोड़े वक्त के लिए इनसे काफ़ी राज खुल के सामने आएंगे और कामयाबी का रास्ता भी वाजे होगा। फिर उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं। ये वक्त आपकी ज़िंदगी का तब्दील होने वाला वक्त है, और इसी तब्दीली में कोई बड़ा फैसला ना करें, यानी बड़े फैसले से मुराद किसी चीज़ को छोड़ने या किसी काम को बंद करने के हवाले से नहीं है, मगर सफाई का ख्याल रखते हैं, रोज़ सुबह उठ के मुँह धोते हैं और इस हफ्ते का इसमें आदम पानी में दम करके पी के दिन का आगाज़ करते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी राहें आपके सामने आएंगी इंशाल्लाह। इनका भी नियाम का सदका मीठी चीज़ का इस्तेमाल बाबत है, स्क्रीन पर दे सकते हैं। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आपकी तमाम दुआएं अपनी दरबार में कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।